तीन दिनों तक चलने वाली काली पूजा की प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा देर रात प्रारंभ हुआ। भागलपुर में लगभग 100 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। 36 घंटे तक चलने वाली विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार से आसपास के लोग मां काली की पूजन और दर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आए। छोटी हसनगंज में मां काली के प्रतिमा विसर्जन को लेकर महिलाओं और युवतियों की खासी भीड़ देखी गई और मां काली को कंधे पर बिठाकर लोगों ने अश्रुपूर्ण विदाई दी। इस दौरान हजारों लोग सड़क पर मां काली को नम आंखों से विदाई करते दिखे। भागलपुर में अवैध संबंध में गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। अंतिचक थाना क्षेत्र के रामजनी पहाड़िया टोली में अवैध संबंध में 30 वर्षीय इतवारी पहाड़िया की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव की ही एक महिला से इतवारी पहाड़िया का अवैध संबंध था, जिसको लेकर उक्त महिला के पुत्र और उनके पति में इतवारी पहाड़िया का विवाद हुआ था, जिसके बाद इतवारी पहाड़िया को धारदार हथियार से उक्त महिला के पति पूसा पहाड़िया और उसका बेटा सन्नी पहाड़िया ने गला रेतकर मार दिया। मृतक की पहचान रमजानीपुर निवासी स्वर्गीय चैता पहाड़िया के पुत्र 30 वर्षीय इतवारी पहाड़िया के रूप में है। मृतक को एक पुत्री है। मृतक मजदूरी का काम कर अपने घर का भरण पोषण करता था। परिजन इस मामले को लेकर कुछ भी खुलकर नहीं कहना चाह रहे हैं। मृतक के पुत्री ने कहा कि घटना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। घटना के बारे में आरोपी सन्नी की मां ने उसको जानकारी दी और कहा कि सन्नी ने ही उसकी हत्या की है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पूसा पहाड़िया और उसके पुत्र सन्नी को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना को लेकर कहलगांव SDPO ने बताया कि रमजानीपुर निवासी चैता पहाड़िया के 30 वर्षीय पुत्र इतवारी पहाड़िया को पूसा पहाड़िया और पुत्र सन्नी पहाड़िया ने मिलकर तेज धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। नहीं, हत्या किसने की कोई जानकारी नहीं? नहीं मालूम थी। कोई जानकारी नहीं? नहीं। जानकारी कैसे मिला कि हत्या हो गई है? हत्या हो गई है। आपको कैसे पता चला कि आपके पिता की हत्या हो गई है? उसने ही बताया। किसने? उसने, पापा के साथ रहे थे। कौन रहते थे पापा के साथ? नाम क्या है उनका? राधा नाम थी इसकी। अच्छा, क्या बताया उसने? क्या कुछ कहा आपसे? अपना बेटा को फंसाया है कि उसने मारा है, ऐसे बोला है। राधा कौन है? जिसने मारा है उसके पिता ने आपको घटना की जानकारी दी? नहीं, उसका मम्मी। उसका मम्मी ने? हाँ। मैं सुबोध कुमार शाश्वत प्रपति की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को काली पूजा एवं छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आवे पधारे और सुख समृद्धि आप लोग को दे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ छठी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, अन्य डेवलपर्स 0 माइल भागलपुर की ओर से आप तमाम देशवासियों को एवं शहरवासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ काली। दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके शहर भागलपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आभूषणों की नए नए डिजाइनों के साथ गणपति ज्वेलर्स सोनापट्टी का सेकंड ब्रांच श्री गणपति ज्वेलर्स। सोने की गहनों की बनवाई पर 50% की छूट एवं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार, विगत 20 सालों से आपकी सेवा में। तो आइए इस त्योहार को बनाइए कुछ खास श्री गणपति ज्वेलर्स के साथ। हमारा पता है खरमनचक आबकारी गोदाम के निकट भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9939
9344531106 और 9470761103। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में काली पूजा विसर्जन समिति को लेकर 2 समूह बन गए हैं, बुढ़िया काली पर्वती पूजा समिति और केंद्रीय काली पूजा महासमिति, जिसमें विसर्जन के दौरान मंच नहीं मिलने पर दोनों गुटों में मंच पर ही दोनों के सदस्यों के बीच कहा सुनी शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों में घंटों तूतुमे में हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को आकर इस मामले को शांत कराना पड़ा। बुढ़िया काली पर्वती पूजा समिति और केंद्रीय काली पूजा महासमिति के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। दरअसल यह कहा सुनी पूजा समिति के सदस्यों को मंच पर जगह नहीं मिलने की वजह से हुआ। इस बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंच पर तलवार भी चलाया गया, हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ को वहां से हटा दिया गया। उसके बाद पूजा समिति के सदस्यों ने अपनी अवहेलना को लेकर लोगों के सामने रखा और कहा कि हमेशा पर्वती ही लेट आई थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपस में ही किसी तरह का विरोध होगा तो इतनी बड़ी शोभा यात्रा कैसे भाईचारे व सौहार्द के साथ सम्पन्न हो पाएगी। भागलपुर जो काली पूजा विसर्जन यात्रा के हम अध्यक्ष हैं विश्वेश आर्य, हमारे साथ महामंत्री धनंजय यादव जी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आनंद जी और हमारी तमाम टीम, आज जो प्रशासन के द्वारा पिछले कई सालों से लगातार ये बोलती आ रही थी कि आप लोगों का समय और आपके बोले हुए जुबान से कोई बात निकलती वो सच नहीं होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं था। इस बार वो सब कुछ पर्वती समाज और भागलपुर के लोगों ने कर दिखाया जो पूर्व में कई सालों तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे ज्योतिष मंडल जो हमारे अध्यक्ष हैं पर्वती समाज के, ललन मंडल, लालू मंडल जी, राजा मंडल जी, संतोष यादव जी और तमाम लोगों के द्वारा जो परिश्रम किया गया, जो मेहनत किया गया, आज उसका प्रतिफल है कि हम लोग सही समय पर आए। हमारे शशि जी, शशि यादव जी दुर्गा पूजा काली पूजा समिति में जो काफ़ी योगदान, सक्रिय योगदान देते हैं, उनका हम लोग को बड़ा सहयोग मिला, पूरे समाज का सहयोग मिला और आज जो कुछ हुआ है, आप चूँकि मीडिया कर्मी यहीं से हैं, हर वर्ष आप देखते रहे हैं, इस बार तारुमदार पूरी तरह से पर्वती समाज पर था और पर्वती समाज ने भागलपुर का मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं किया। समिति में कोई दो फाड़ नहीं है। देखिए पूर्व की समिति और आज की समिति में जिस तरह से फैसला हुआ है वो बिल्कुल गलत था और पुरानी समिति जिस तरह से गलत तरीके से प्रचारित करते हुए अचानक चुनाव कराती है 4 दिन पहले, किसी तरह से ये बिल्कुल असंवैधानिक है। बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से पूर्व में चुनाव किया जाता रहा था, ये चुनाव मेलपति के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे जितने भी सम्मानित मेलपति हैं उनके ही वोट से, उनके ही आदेश से कार्यक्रम पिछले 54 से चलते आ रहा है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से लगातार सावंती नीतियों के द्वारा कुछ लोगों ने अपने पद को और न जाने कई कारणों से इस पद को अपने को सुशोभित मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शहर के लिए ये अच्छी बात नहीं थी। और इस बार जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल घर में बैठ के चुनाव हुआ था, इसलिए पूरे समाज के लोगों ने, देखिए इस बार अध्यक्षीय फैसला का चुनाव जो हमारे प्रधान संरक्षक हैं, जो काली पूजा के प्रधान संरक्षक हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि पूर्व में जब आज तक जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया असंवैधानिक तरीके से की जाती रही है वो बिल्कुल गलत है, और जो फैसला हुआ तमाम मेड़पतियों के द्वारा पर्वती समाज में, उर्दू विहार समाज में और पश्चिमी तमाम साहिबगंज में, पश्चिम, उत्तर, पूरब, पश्चिम, जरलाही, मिर्जान,
तिलका मांझी और तमाम जगह के मिणपतियों के द्वारा किया गया। और ये सहमति मिणपति ने हमारे आदर्श और आदरणीय हिंदू सम्राट कामेश्वर जी को दिया और कामेश्वर यादव जी ने हम लोगों का चयन कर समाज के हित में इस काम को किया है। देखिए आप सफलता की बात तो आपके सामने है। आप लोग कह रहे थे कि समय, हमने जो हमारे समाज ने जो टाइम मिनट टू मिनट दिया था उस मिनट का अगर पालन नहीं किया हो तो बताओ। 12 बजे का समय दिया गया था, यहाँ पर आना है स्टेशन चौक पे, 12 बजे पहुँच गई। और इस बार कोतवाली के बदला हम लोग जाके बूढ़ानाथ में आदरणीय महामंत्री के द्वारा ये आदेश हुआ है, पर्वती समाज के द्वारा ये आदेशित हुआ है कि कोतवाली के बाद कोतवाली में इस बार पूजा ना करके, ठहराव नहीं करके हम लोग बूढ़ानाथ में रुकेंगे ताकि जितनी मूर्तियाँ हैं वो लाइन में इस बार आ जाए। सभी का काली पूजा केंद्रीय महासमिति आज 70वां साल चल रहा है, इसमें जो भी पदाधिकारी हैं वो एक सदस्य से ऊपर अच्छा काम करते करते ऊपर आया। आज कोई आकर दो चार लड़का बोले इसको कोई अनुभव नहीं है महासमिति का, हमको डायरेक्ट महामंत्री बना दीजिए, अध्यक्ष बना दीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। मैंने उनको समझाया कि आपको अगर उन सब पदों पर आना है तो पहले आप नीचे से साल दो साल मेहनत कीजिए, हमारे जो 80 मेल है, 80 स्थान है, उससे आप जुड़िए, आप समझिए कि भागलपुर शहर को कैसे चलाना है। ये महासमिति स्थानीय समिति के साथ समन्वय स्थापित करती है, हिंदू और मुसलमान के बीच समन्वय स्थापित करके चलती है, तब ये महासमिति चलती है और इतना बड़ा काली पूजा का विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न हो पाता। ये जो नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन आम सभा में पुरानी समिति पर सभाओं ने आस्था व्यक्त की और ध्वनि मत से कहा कि हम लोग पुरानी समिति के कार्य को देखते हुए पुरानी समिति को बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये समिति का चुनाव हमारे जो 80 मेल हैं उस मेल से आए हुए मेल पतियों के द्वारा और हमारे फोल्डर में जो पदाधिकारी सदस्य हैं उनके द्वारा होता है। जब उन्होंने ध्वनि मत से पुराने समितियों को बहाल कर दिया, उससे एक दो लड़का निकल कर चले गए, रूठ गए, हम लोगों ने सोचा कि देर सवेर हम लोग उनको मना लेंगे, समझा लेंगे और उन युवाओं को भी हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन रातें रात उन्होंने बंद कमरे में बैठकर एक समिति बना ली दो चार पांच लोगों और पेपर में कुछ से कुछ उन्होंने दिग्भ्रमित किया पूरे शहर को। आज आप 80 स्थान पर, आप पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं रह सकता, आप एक एक चीज को खोद कर निकाल सकते हैं। आप 80 स्थानों पर खुद जाकर आप पूछें कि आप किन समितियों को मानते हैं, आपने किन समितियों को बनाया है, आपने किन को अध्यक्ष, किन को महामंत्री, किन को कार्यकारी अध्यक्ष और किन को कोषाध्यक्ष बनाया है, एक एक नाम आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रधान का समर्थन किन को है, प्रधान का समर्थन किन को है, क्या पता। भागलपुर की सबौर प्रखंड स्थित ममलखा गांव में काली पूजा के अवसर पर कई दशकों से दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी पहलवान जोड़ अजमाइश के लिए पहुंचे और एक से बढ़कर एक पहलवान दंगल में अपने खेल का प्रदर्शन करते रहे। नेपाल से आए पहलवान राहुल थापा और मध्य प्रदेश के पहलवान शैतान सिंह के बीच आधे घंटे तक कुश्ती खेला गया जिसमें नेपाल के पहलवान के द्वारा मध्य प्रदेश के पहलवान को पटक दिया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों से पहलवान पहुंचे हुए हैं। वहीं नेपाल से आए पहलवान ने बताया कि यहां वो पहली बार आए हैं, यहां के लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए पहलवान लालू पहलवान का कहना है
कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं और कुश्ती के क्षेत्र में यहाँ के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर सरकार इन पर ध्यान दे बिहार के पहलवान देश ही नहीं दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में दर्शकों की भीड़ इकट्ठा थी और लोगों ने कुश्ती का खूब लुत्फ उठाया। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मजदी पंचायत के शिवनंदपुर गांव वार्ड नंबर 9 में जमीन विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने एक मसूमात महिला एवं इसकी बेटी की लाठी डंडे से बेरहमी पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने सुल्तानगंज थाना पुलिस को सूचना देकर घायल मसूमात किरण देवी एवं इसकी बेटी विभा कुमारी को इलाज के लिए रेफर अस्पताल लाया। डॉक्टर ने गंभीर देख दोनों घायल महिला को इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं घटना में घायल मसूमात किरण देवी एवं इसकी बेटी विभा कुमारी ने बताया कि गांव के दबंग कैलाश प्रसाद यादव और पुत्र अभिषेक कुमार आलोक अमरजीत कुमार उर्फ गुड्डू कुमार अजीत कुमार उर्फ बंटी कुमार और कैलाश यादव के भाई मनोज यादव नकुल यादव को द्वारा हमारे 15 धूर जमीन को बायजबरन घेराबंदी कर लिया गया है। मना करने पर सभी लोग लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना तब हुई जब बच्चे को शौच कराने के लिए जमीन पर गया था, तभी सभी लोग लाठी डंडे से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस पूरी घटना को लेकर घायल के फर्द बयान पर कानूनी कार्रवाई कर रही है।